तो चलो 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 फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर भी ना आपको ऐसी टॉप 3 रेफरल अर्निंग एप्लीकेशन बताऊंगा जो बिल्कुल मार्केट के अंदर न्यू है। एक एप्लीकेशन से आप जो है वो 300 रुपये अर्न करने वाले हो, एक से 100 रुपीज़ अर्न करने वाले हो, एक से 250 रुपीज़ अर्न करने वाले हो, और टोटल जो अमाउंट हो गया कितना हो गया कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से ये जो अमाउंट हो गया 650 रुपीज़ के आसपास बैठ गया है। लेकिन जो 300 रुपीज़ वाला फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर आप 300 to 3000 रुपीज़ तक कुछ भी अर्न कर सकते हो। किस्मत आपकी अच्छी रही तो 3000 रुपये भी अर्न कर लोगे सिर्फ और सिर्फ एक रेफरल करके। किस्मत अगर यहाँ पे बिल्कुल डल रही तो 300 रुपये तो आपको मिलना पक्का ही पक्का है। और साथ ही साथ सेकंड नंबर वाली एप्लीकेशन के अंदर 100 रुपीज़ और थर्ड नंबर वाली एप्लीकेशन के अंदर 250 रुपीज़ अर्न करने वाले हो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यार जाके फॉलो कर लो, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। और लगे हाथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स में शेयर करता हूँ। अभी फ्रेंड रिसेंटली मेरे पास एक हैमर की वॉच आई थी ना, जिसका मैंने यहाँ पे रिव्यू डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी और YT शॉर्ट्स के अंदर भी। आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि भाई वो जो 1500 रुपये की वॉच है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर प्रोवाइड कर रही है। कॉलिंग के फीचर भी आपको देती है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये के अंदर। तो भाई शॉर्ट भी देख लेना और हमारी इंस्टाग्राम के अंदर जाके रील्स भी देख लेना। पसंद आता है तो चैनल हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आपको ले चलता हूँ स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे नंबर 3rd एप्लीकेशन चालू करेंगे। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप 250 रुपये अर्न करने वाले हो? इसलिए फ्रेंड नंबर 3rd एप्लीकेशन का नाम तो निकल के आ जाता ना, एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे वन कार्ड। अब देखो ये वन कार्ड को मैं इतना ज़्यादा इसीलिए आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, भाई ये एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर लेती है अगर आप एक स्टूडेंट हो तब भी। अगर गाइस यहाँ पे आप हमारे लिंक से इसको डाउनलोड करते हो तो भाई यहाँ पे आपको 200 या 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले, 250 रुपये मिलने वाले, 200 रुपये नहीं मिलने वाले। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है, जैसे आप अपने दोस्तों को इसको रेफर करते हो ना तो यहाँ पे आपको 2500 पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ पे 2500 पॉइंट 250 रुपये के बराबर होते हैं और डायरेक्टली इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देने के लिए। मान लो आपने शॉपिंग करी 1000 रुपये की, जिसमें से आपको कंपनी को प्रोवाइड करने होंगे अगले महीने 1000 रुपये, तो भाई उसमें से 250 रुपये आपके लेस हो जाएंगे इस एप्लीकेशन से। मतलब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर, तो आप देख सकते हो 87 रुपीज़ अभी तक मैंने खर्च कर लिए है। मेरी जो लिमिट है वो है यहाँ पे 112 रुपीज़ के आसपास। अब देखो मैं बिल को ना अपने उन पॉइंट से पे कर सकता हूँ। मैं सिंपली जाता हूँ अपने इस अकाउंट के अंदर, अवेलेबल पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 35000 रुपीज़ के आसपास के पॉइंट है। मैं यूज़ पॉइंट के ऊपर करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट ये वाला है, नहीं अभी देखो 50 रुपये 86 का अमाउंट था ना, और यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक और यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना वो जो अमाउंट था ना वो पे हो जाएगा और एक्स्ट्रा लिमिट मेरे को और मिल जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट और मेरे को मिल जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने यहाँ पे, देखो मेरे अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा बिल जो है वो सेटलमेंट हो गया है और जो मेरी लिमिट थी वो थी अराउंड 2200 रुपीज़ के आसपास। 12 रुपये मेरे को जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं यूज़ करने के लिए। अब मैं 12 रुपये का सामान खरीद लूँगा तो मुझे 1 रुपये का देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं 1000 रुपये का सामान खरीदता हूँ तो मैं उन 1000 रुपये को भी अपने कॉइन से पे कर सकता हूँ। तो भाई पर रेफर के ऊपर आप 1000 रुपये इसके अंदर, सॉरी 250 रुपये आप जो है उसके अंदर अर्न करने वाले हो। मान लो आपने इस एप्लीकेशन को अपने दोस्त को शेयर किया, उससे बोला कि भाई इसको डाउनलोड कर, डाउनलोड करने के बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर ले। इनकेस वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो एक स्टूडेंट है, तो भाई यहाँ पे क्या करना होगा, 2000 रुपये की FD करानी होगी उसने। 2000 रुपये की जैसी FD कराएगा तो भाई यहाँ पे 250 रुपये आपको मिल जाएंगे इंस्टेंटली, 2500 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उन 2500 पॉइंट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। मान लीजिए अपने 250 रुपये की शॉपिंग करी तो भाई 250 रुपये जो है डायरेक्टली आप जो है वो इसके अंदर पे कर लो। और ये कार्ड अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई भी मार्केट प्लेस के अंदर चलता है, आप वहाँ से लो कॉस्ट EMI के थ्रू भी सामान ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी 3rd नंबर की एप्लीकेशन थी ना, जहाँ पे आपको वाया वाया करके पैसा मिल रहा था। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा लेना चाहते हो, जिसके लिए आपके लिए निकल जाती है 2nd एप्लीकेशन, वो आपको डायरेक्टली पेटीएम के अंदर ही मिलने वाली है। ज़्यादा कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली मैं आपको पेटीएम की एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अपनी बैलेंस एंड हिस्ट्री दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा और नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखिए कैशबैक रिसीव बाय पेटीएम, आप यहाँ पे एक बार नज़र मान लीजिए कैशबैक रिसीव बाय पेटीएम, आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश मुझको पर रेफर के ऊपर कैसे मिला, सिंपली मैं जाता हूँ बैक के ऊपर करता हूँ और बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको पेटीएम का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ पेटीएम का पोस्टपेड रेफर एंड अर्न। सिंपली देखिए आपको जाना है यहाँ पे, एक ऑप्शन देख लीजिए
पे मिल रहा होगा पोस्ट पेड रेफर एंड अर्न। अब सिंपली जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ रेफरल वो पोस्ट पेड अकाउंट एक्टिवेट कराता है इस एप्लीकेशन के ऊपर और उससे पहली पेमेंट करता है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे आप रेफरल रिवॉर्ड्स अर्न करने वाले हो। अब ये पेटीएम पोस्ट पेड है क्या, या इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंपनी आपको पोस्ट पेड के थ्रू उधार देती है। मान लीजिए आपकी जो लिमिट है, मेरी लिमिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही होगी अभी 12,000 रुपये के आसपास की, आपको यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिल रही होगी, जिसमें से मैंने 1155 रुपये के आसपास इनको जो है पे करना है, 1155 रुपीज़ के आसपास इनको पे करना है। अब ये अमाउंट मेरे को कब पे करना है, यहाँ पे देखो 1 मार्च के आसपास पे करना है और अभी क्या है 4 फरवरी, और ये अमाउंट मैंने 1 फरवरी को यूज़ किया था। पूरा का पूरा 1 महीना मिलता है इस पैसे को यूज़ करने के लिए, और वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, मेरे को इसके ऊपर कोई भी रुपया नहीं देना है। अब मैं यहाँ पर जितना भी मैंने अमाउंट इससे खर्च किया वही अमाउंट पे अगले महीने यू दे दूंगा इनको, और इनका पैसा यूज़ करूँगा अपने काम के लिए। तो भाई यहाँ पर अगर आपका दिया हुआ फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ रेफरल अगर ये पोस्टपेड अकाउंट एक्टिवेट कराता है और उससे पहली पेमेंट करता है, तो डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर 100 रुपये का पेटीएम कैश मिलने वाला है और आप भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। आप इसको समझ लीजिए कि भाई ये आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, आप इससे किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो जिसका पेटीएम का क्यूआर कोड है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये है ललित मोहन बिष्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बाय पोस्टपेड और पेमेंट बाय पेटीएम बैलेंस। अब यहाँ पे मैं किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई मैं पोस्टपेड से भी करूँ और पेटीएम बैलेंस से भी करूँ, और मोस्टली मैं चूज़ करता हूँ पेटीएम पोस्टपेड को, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने तक उसका पैसा फ्री यूज़ करने के लिए मुझे मिलता है। तो भाई आप भी इसको जो है एक्टिवेट करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जाकर इसको फॉलो कर सकते हो। अब फ्रेंड्स फ्रेंड नंबर फर्स्ट और फाइनल जो ऑफर निकल के आ जाता है, एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे फाइव मनी। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, लिटरली गाइस बहुत ही तगड़ी एप्लीकेशन है, इसको आप अपने घर में ही सप्लाई कर सकते हो, आपस में घर में ही एक्टिवेट करवा सकते हो। पोस्टपेड में भी क्या है, अगर आपके घर में 5 डिवाइसेस है, 5 डिवाइसेस में ट्राई करो किसी एक डिवाइस में से, तो आपको पोस्टपेड का मिल ही जाएगा। 5 के 5 मिल गए तो 500 रुपये डायरेक्टली आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर इंस्टेंटली पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं पहुंचे तो भाई यहाँ पे फाइव मनी के ऊपर स्विच कर दो, फाइव मनी भी आपको जो है वो यहाँ पे अप टू 3,000 रुपीज़ देता है, 300 to 3,000 रुपीज़ पर रेफरल के ऊपर देता है। सिंपली जैसे हमारे लिंक से इसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर 1,000 रुपये जैसे डिपॉजिट करते हो, ये एक आपका बैंक है। मैं आपको क्लियरली कर दूं, सबसे पहले ये आपका एक बैंक है, आप यहाँ से UPI पेमेंट कर सकते हो जैसे पेटीएम से करते हो, आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो, कहीं भी जाके यूज़ करो, चाहे आप ATM के अंदर यूज़ करो, चाहे कहीं भी यूज़ करो, सिंपली इनका डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आप सिंपली जो है फिजिकल डेबिट कार्ड इनका मंगा सकते हो। अभी मेरे वॉलेट के अंदर आपको देखिए 1,223 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। सिंपली व्यू रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 4,059 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पर रेफरल के ऊपर मैंने 310, 306 और 415 रुपये भी मैंने अर्न किए हैं। मैंने आपको बताया था ना एक बार ऑफर चल रहा था इनका, ये 400 रुपये आपको पर रेफरल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई अगर आपने वो ऑफर यूज नहीं किया है तो भाई यूज कर लो, लेकिन अभी तो यहाँ पे आपको पर रेफरल के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक 500 रुपीज़ पर रेफरल। अब यहाँ पे ये देखो आपको 500 रुपये ये पर रेफरल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो है वो पर रेफरल के ऊपर 500 रुपये अर्न कर सकते हो, और हमारे लिंक से जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो तो 500 रुपये जो है वो आपको भी मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ही आपने अपने दोस्त को इसको रेफरल किया ना, तो भाई यहाँ पे रेफरल करने के बाद यहाँ पे उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। अभी मान लो आप 3,000 रुपीज़ अगर आप किसी और बैंक के अंदर रहेंगे या इस बैंक के अंदर रहेंगे तो भाई क्या ही फर्क पड़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट तो दोनों को बराबर ही मिलने वाला है दोनों बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,000 रुपीज़ आप जैसे डिपॉजिट करते हो तो You get a rewards based on your current level. अब आपका जो भी लेवल होगा, जैसे देखिए अभी मेरा लेवल है 300 रुपीज़ का, 400 रुपीज़ का, 450 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे एक दिन में 300 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हो, 400 भी अर्न कर सकते हो, 450 भी अर्न कर सकते हो, 500 भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपका रेफरल अमाउंट काउंट हुआ तो डायरेक्टली आप जो है वो 500 रुपीज़ तक अर्न कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये बोलते हैं 300 to 3,000, लेकिन मेरे को लगता नहीं है 3,000 किसको मिला होगा, 300 रुपीज़ डेफिनेटली मिला है, वो मेरे को मिला है, आप यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हो। तो भाई मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन बहुत ही तगड़ी है, अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि इसके अंदर KYC वगैरह भी करनी होती है और KYC वाला ही टास्क थोड़ा सा लेंदी है,
जो आपको समझना पड़ेगा, और वीडियो केवाईसी होती है तो जाके उसको वीडियो को भी जरूर देख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग तो भाई हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और लगे हाथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना मत बोलना, क्योंकि गाइस वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और लगे हाथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स मैं शेयर करता हूँ जो आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।